श्रद्धा है और मैं हृदय कंठ से सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने घरों में थोड़ी बहुत पूजा पाठ अवश्य करते रहें। इस दुनिया से कभी भी परमात्मा का ना साया उठा है ना उठेगा। ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। कई लोग स्वयं भगवान बन के बैठना चाहते हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहना कि खुद भगवान बनना चाहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। ईश्वर थे, ईश्वर है और ईश्वर रहेंगे। जिस दिन ईश्वर नहीं रहेंगे, परमात्मा इस धरती से अपना साया उठा लेंगे, उस दिन इस भूमि पर जल के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और इससे पहले जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय ही जल था। देव योग से आके एक जल के बीचों बीच में आके अंडा फूट गया, जिससे विष्णु की उत्पत्ति हुई। विष्णु की नाभि से एक पुष्प प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, जो हम और आप सभी जीव इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, विचर रहे हैं। तो प्रभु सत्य है और सत्य रहेंगे। मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा हूँ और आप सबका भाई बंधु हूँ। मैं जिस लाइफ सेवा करता हूँ वो हमेशा करता रहूंगा। आपके भूमरी से लगभग 10 किलोमीटर दूर प्रेमपुरा धाम सरकार के नाम से आश्रम है, वहाँ प्रत्येक मंगलवार को सत्संग का आयोजन चलता है। मैंने अभी एक बार वीडियो देखा था, तो एक मेरे नाम से किसी ने आईडी बना के कोई अजय दास महाराज के नाम से, तो मैंने उनका नंबर निकाला, मैंने उनसे फोन पर संपर्क किया। मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा बेटा हम वहाँ से फलानी जगह से बोल रहे हैं। तो उनको नहीं मालूम था कि ये अजय दास जी बात कर रहे हैं। हमने कहा आप एक काम कर लीजिए, आप सत्संग कर रहे अच्छी बात है, लेकिन किसी के दूसरे के नाम से टाइटल बना के मत करिएगा। कल को कोई गलती हो जाए तो नाम दूसरे का बदनाम हो जाएगा। हमें सत्संग से किसी की इच्छा नहीं है। हमारे लिए बैठी हुई सभी संगत माता बहन भाई एक परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ना होते तो अपना घर छोड़ के यहाँ नहीं आते। सब काम का समय है। मैंने बड़े उनसे आसानी